कहते हैं ब्राह्मणी भिक्षा लेकर के आई। हा हा हा, छोटा सा बच्चा देख के ब्राह्मणी ने कोड़ी भर ली के वक्त, बाबा तेरी माँ कहाँ गई, उसका नाश क्यों नहीं आ रहे जिसने दम दही तो छोटा सा सूत्रा छोरा। बाबा के पास रह गया, कह लेंगे माई मेरी बात समझ रहे तू क्या कह रही है। कह लेंगे बाबा मैं ये कह रही हूं कि तेरी उम्र तो देख, अरे कितना छला छोरा कितना सूत्रा छोरा, तू बाबा के पास रह गया तो किसी राजवंश में रहने वाला चाहिए था और तू बना दे बाबा। उस तेरी माँ पता नहीं जमदे की मर गई, पता नहीं तेरी माँ मर गई, पता नहीं उसने मरना चाहिए, उसका जीने का अधिकार नहीं है और उस लिपट जाती है उस गोरखनाथ के छोटे बच्चे के रोड़े लग जाती है ब्राह्मणी और क्या कहती है। बता दे रे जोगी के मरेगी रे तेरी माई, बता दे रे जोगी के मरेगी रे तेरी माई, बता दे रे जोगी के मरेगी रे तेरी माई, बता दे रे बाबा के मरेगी रे तेरी माई, बता दे रे जोगी के मरेगी रे तेरी।
की बात सुनी गोरखनाथ हक्का बक्का रह गए, क्योंकि जो मत का ज्ञान नहीं था, समाज का ज्ञान नहीं था, किसी बात ने जाना नहीं था। तो बेचारा सीधा मच्छंद्रनाथ जी निकाल के उसको बियाबान में ले आए थे। कहने लगे हमारी मेरे को किसी बात का पता नहीं, मेरे को ये नहीं पता तू क्या कह रही है क्या ना कह रही है, मेरी बात मेरे समझ में नहीं, समझ से बाहर है। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ, प्रार्थना करता हूँ तेरे से मेरे को भिक्षा दे दे बस। और क्या कहने भाई, नुबलरी मन ना किसेरी चीज का ज्ञान, देखशा घाल जेरी माई एरी ना किसे चीज करी ज्ञान, देखशा घाल जेरी माई मन ना किसे चीज का ज्ञान, देखशा घाल दे माई मन ना किसे के बाबा तू अल्पमुख बेकार दे, संतान मेरे में नहीं है, तू मेरे पास रहे, मैं तेरे को अपना बेटा समझ कर साथी का लगा रखो। कहने का माता फालतू बात नहीं करनी है, मैं तो भिक्षा दे अपने गुरु के कैसे तेरे यहाँ चले आया, अगर मेरे को पता होता तू मेरे साथ कलेश करेगी मैं तेरे द्वारा क्यों आता। क्या कहने लगा अपने गुरु की आज्ञा पाके, अपने गुरु की मया क्या पाके, अलख जगा जी तेरे दरिया के, अलख जगा जी तेरे दरिया के, अपने गुरु की रिया क्या पाके, अलख जगा जी तेरे दरिया के, तेरी तेरा भला करे भगवान दिख जा वो घाल दे माई, तेरी तेरा भला करे भगवान दिख जा घाल दे माई
भिक्षा लेकर के गोरखनाथ अपने गुरुजी के पास आते हैं। ब्राह्मणी को दया जाती है, साथी थी मिठाई डाल दी, गुरुजी ने सारी खा ली और मच्छंद्रनाथ के खेल दिखना है। गोरखनाथ भी खड़ा खड़े गुरुजी कमाल की बात कर रहे हैं, तुम यू भी निकल दे बेटा खा ले। तो जब सारी खा ली तो मच्छंद्रनाथ कहने लगे कि बेटा थोड़ी सी भूख और आएगी, इसी सी भिक्षा जो अभी लेकर आया है बिल्कुल जो भी तो फेर ला। ये गोरखनाथ हमारे मन में सोचते बमणी खोटी है, मुश्किल गाल लगी मसा दे दी भिक्षा। खैर कोई बात नहीं, गुरु के आदेश से चलते हैं। तो गुरु जी की आज्ञा पा करके फिर उसी घर पे रख जगा दी। ब्राह्मणी कह लगी बाबा चला भग में तो पैर नहीं, तू लाड़ा है। अरे सीखा नहीं मैंने, कितने गाले देख के माई मैंने नहीं खाया, वो मेरे गुरु ने खा लिया और गुरु के थोड़ी भोखोरा की क्या बेटा वही जाके कह लो। कहने का तो इतना गुरु भगत है क्या, अगर मैं इतने से कुछ मांगू भोजन के बराबर तू क्या देगा, कि माई कुछ भी मांग सकती है, मैं अपने गुरु से बढ़कर किसी को नहीं मांगता। तो ब्राह्मण ने कहा कि बाबा तू तेरी एक क्या काट कर दे दे। कहने का कमाल की बात करे, आंख में दोनों दे दी। गोरखनाथ ने अपनी आंख काट कर दे दी और ब्राह्मण को बड़ा प्रस्ताव लगा कि वाक्य में तो गुरु भगत है, ये तो कोई भगवान रूप है, कोई बाबा नहीं, छोटी सी उम्र का इतने खेल खिलाया। पाया पड़ेगी कि बाबा कितने ले जाते दादा जी करे और मेरी माफ मैंने माफ कर दे। इब लेके भिक्षा आज का पट्टी बांध के और गुरु जी के पास आए। गुरु जी लो भिक्षा ले आया, मैं खाना खाओ। कहने के बेटा खाना तो खाऊंगा, ले आया तू, लेकिन तेरी आंख पे क्या लग गया। तो सारी कहानी बताई कि ब्राह्मण ने ऐसे ऐसे किया। कहने कोई बात नहीं, मैं उसका सर्वनाश करता हूँ। कहने नहीं महाराज, वो अनजान है बेचारी, उसको ज्ञान नहीं है कि बेटा तेरी पहली परीक्षा पूरी हुई, वो चल यहां से चलते। अब गुरु चेला वहां से फिर पड़ा उठाते, कवि ने क्या दर्शाया। अरे चले थे गुरु और चेला चलने की सूरत लगाई। अरे चले थे गुरु और चेला भक्ति ऊपर डटना चाहिए, भक्ति
वहां से चलते थे बियाबान, चलते 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 कई रोज बीत जाते और जाके एक नगरी में पड़ाव डाल दिया। मच्छेंद्रनाथ कहा लगे, बेटा उस दिन तू भिक्षा लेकर के आया था और आज भिक्षा लेने मैं जाता हूँ कि नहीं गुरु जी, ये चेले का हक नहीं है कि गुरु भिक्षा जाए। कह रहे बेटा जो चेले गुरु आदेश देता है वो मानना चाहिए, तू यहाँ बैठ और संजीवनी मंत्र ये तेरे को पाठ देता हूँ, इतना भिक्षा लेगा उतना संजीवनी मंत्र याद करे। पा ये बताते हैं मच्छेंद्रनाथ भिक्षा लेने जाते हैं और गोरखनाथ अपने संजीवनी मंत्र याद करने जाता है। खेलते खेलते उसके आने के बाद मट्टी लेके गारा लेके उसके पास पहुंचे, हो बाबा जी गाड़ी बना दे। ये बेचारे गोरखनाथ ने कभी गाड़ी नहीं देखी, कह लगा मेरे को नहीं पता क्या होती है, बाबा गाड़ी नीचे गाड़ी चलाने वाला बना दे, गढ़वाला बना दे। कह लगा भाई मेरे को पता नहीं, बोला मनुष्य बना दे मनुष्य माटी का। ये गोरखनाथ ने सोची ये जावे नहीं संजीवनी तेरे याद हो नहीं गुरु तो आके पीटेगा। तो बताते हैं उनको मिट्टी का छोरा बनाने लग गया, संजीवनी मंत्र मन से बोला हाथ से बनाने लग गया, टांग बनाई दोनों टांग हिलने लगी, पेट बना दिया पेट हिलने लग गया, हाथ हिलने लगे। 10-11 साल का छोरा बन गया तैयार हो गया, वो बाल छाए डर के भूत 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 और भागे भागे उस बड़े बाबा मच्छेंद्रनाथ के पास पहुंचे। बाबा तेरा चेला खा गया हुआ। कहने क्यों रे, मेरे उसका थोड़ा भूत खड़े है, भूत खड़ता आ गया मेरे बाबा, उसने आपे बना लिया आपे माटी का बना लिया। माटी के भूत होया करे, बोले उन्हें छोरा बना दा माटी का, बोले पागल छोरा तुम बना लिया। कह लगा हमारी बात सुन, हम के देख कार्य क्या कहते। ओ उसे गोरखनाथ फकीर ने माटी की मूरत बनाई,
चेला जादू जाने, कह तेरा चेला जादू जाने, बिना ज्ञान उन्हें कौन पहचाने, बिना ज्ञान उन्हें कौन पहचाने, हाँ नहीं तो किसे पाट पे टंबर पीने कोई माया आने दिखाई, ओ किसे पाट पे टंबर पीने कोई माया आने दिखाई, हाँ 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 हाँ, ओ उसे गोरखनाथ फकीर ने माटी की मूरत बनाई, राम पढ़ावे, रामण जोगी राम पढ़ावे, राम करण लैनू समझावे, राम करण लैनू समझावे, अरे जिसका साथ दिया तकदीर ने उसकी कर दे कौन बुराई, ओहो जिसका साथ दिया तकदीर ने उसकी कर दे कौन बुराई, उसे अब सभी बच्चों की बात मानिए, गुरु मच्छिंद्रनाथ वापस चल देते हैं और उधर से गोरखनाथ बाका मारा काम पड़ना गिरा के बन गया थे और गुरु जी ने पीटेगा और गुरु जी ने देखा दूर खड़े खड़े भाई चेला हो तो ऐसा हो कभी ने क्या दर्शाया। ओनू बोल रहा भगवान खिलौना माटी का, बोल रहा भगवान खिलौना माटी का, जो बोल रहा भगवान खिलौना माटी का, ओनू बोल रहा भगवान खिलौना माटी का,
बालक की शांति के गोरखनाथ विचार करे, उस बालक की शांति के गोरखनाथ विचार करे। अगर सतगुरु जी छो माया वह मन मन के मैं बहुत डरे, सतगुरु जी छो माया वह मन मन के मैं बहुत डरे। अरे होए गोरखनाथ परेशान खिलोड़ा माटी का, राम करण में गुरु मिले से जो भी राम पुजारी हो। अरे मिला सत्य गुरु